गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई जस्ट होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा ही, ब्लॉग देख के तो आपको पता चल ही गया होगा, मैं हूँ मुखमपुर देहरादून में। हाँ जी, क्योंकि मैं आई थी यहाँ पे अपनी मौसी जी को मिलने, और मौसी जी मतलब मेरे हस्बैंड की मौसी जी को मिलने। तो अभी यहाँ पे तो काफी रिलेटिव हैं हमारे, जहाँ जहाँ हम लोगों ने भी जाना है, मतलब हमने लंबा टूर बना रखा है अपना कि इनके घर जाना है, उनके घर जाना है। तो आज मैं जा रही हूँ एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल जगह पे। वो स्पेशल चीज जगह कौन सी है आप लोग गैस कीजिए। आप लोग गैस क्या करेंगे, मैं आपको ही बता देती हूँ। वो स्पेशल जगह है मसूरी, जो कि देहरादून की फेमस सी जगह है, जहाँ पे बहुत सारे लोग, बाहर के लोग भी घूमने आते हैं। तो मैंने सोचा एक बार, मैं मसूरी अभी तक गई नहीं हूँ, कभी भी नहीं गई हूँ, भले मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, बट मसूरी मैं आज तक नहीं गई हूँ। तो पहली बार मैं मसूरी जा रही हूँ, तो देखती हूँ वहाँ पे मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसा मुझे वहाँ पे लगता है। वैसे तो मैं, ये देखिए आप, जस्ट मेरे पीछे जो आपको ना वो दिख रहे होंगे, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, छोटा मतलब पहाड़ दिख रहा होगा, वो बॉर्डर पे बाउंड्री वाला पहाड़, मतलब मेरे जस्ट पीछे, ये देखिए, पता नहीं शो हो रहा होगा आपको, नहीं हो रहा होगा। तो वही मसूरी है, और यहाँ से शहर से मसूरी 26 किलोमीटर आगे, जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ से जहाँ पे मैं अभी आई हूँ, यहाँ से 26 किलोमीटर है मसूरी। और देखते हैं मसूरी जाके वहाँ पे क्या हाल है, कैसा है मसूरी। वैसे हम तो सोचे थे अगर वहाँ पे बर्फ गिरी रहती तो हम लोग जाते हैं, बट अभी यहाँ ना उत्तराखंड में 2-4 दिन से मौसम सही है, तो वहाँ पे जो बर्फ गिरी भी थी वो गल चुकी है। तो इस वजह से हम लोग मतलब ऐसे ही जाना चाह रहे थे कि चलो यार बर्फ ना गिरी, बट थोड़ी बहुत तो बर्फ होगी, फिर भी हम जा रहे हैं। सो मुझे लगा अपनी एक वीडियो बना देनी चाहिए, आप लोग के साथ शेयर कर देना चाहिए कि मसूरी है कैसा रियल में। अगर आप लोग भी कभी आने का सोचें उत्तराखंड में, देहरादून के मसूरी में, तो आप लोगों को मेरी ये ब्लॉग देख के, ये वीडियो देख के पता चल जाए कि हाँ आप लोगों को वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस वीडियो के एंड में बताऊंगी कि किस तरीके का मुझे वहाँ पे लगा। मे बी मेरी वीडियो 2 पार्ट में हो सकती है, मे बी, कोई पता नहीं है मुझे, क्योंकि अभी तो मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ ब्लॉग का, लेकिन शायद से अगर ब्लॉग बड़ा हो जाए तो मैं इसे 2 पार्ट में कर सकती हूँ, बट अभी कोई कंफर्म नहीं है। 1 पार्ट भी हो सकता है, 2 पार्ट भी हो सकता है। सो चलो अभी ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, अभी हम लोग थोड़ी देर में करने वाले हैं ब्रेकफास्ट। मैं नहा धो के फिट हो चुकी हूँ, तो चलो मैं धीरे धीरे आपको दिखाती रहूँगी कि किस तरीके का मसूरी है और कैसा कैसा है वहाँ पे, ठीक है।
हम मसूरी के लिए निकल चुके हैं और आप लोग यहाँ देख सकते हैं मौसम काफी ज्यादा अच्छा हुआ है, और आप लोग हमें भी देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग बैठे हैं, क्योंकि थोड़ा हैवी लोग हैं ना, मतलब हेल्थी लोग हैं, तो जगह की होता है ना स्पेस कम हो जाता है। तो बस मजाक कर रही हूँ मैं, आप लोग सीरियसली मत सोचना, इतने मोटे हम इतने मोटे नहीं है, बस थोड़ा हो जाता है एडजस्टमेंट, नहीं हो पाती ना तीन चार अगर एक साथ बैठे हो तो। थोड़ा सामान भी था हमारे साथ, तो हम लोग बस निकल चुके हैं। और धूप देखिए आप यहाँ पे कितनी प्यारी यहाँ पे धूप लगी हुई है, क्योंकि जो यहाँ की इन्वायरमेंट है काफी ज्यादा अच्छी है, आप लोग खुद ही देख लीजिए काफी ज्यादा अच्छी है। मोड़ सड़कें जो हैं बहुत ही मतलब घुमावदार हैं, ऐसे मोड़ वाली सड़कें जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। साथ ही साथ आप ऊपर देख सकते हैं आसमान नीला है और सूरज की रोशनी पड़ रही है, बहुत ही प्यारा लग रहा था वेदर। सो गाइज, हम लोग मसूरी आ चुके हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे, बट हमने मसूरी में स्टे नहीं किया क्योंकि वहां पे ज्यादा क्योंकि वहां पे बर्फ भी नहीं गिरी थी ज्यादा, और हमें नहीं लगा वहां पे रुकना अच्छा, क्योंकि हम थोड़ा सो गाइज, हम लोग मसूरी आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और बीच बीच में आप लोग को ना ये थोड़े छोटे छोटे मतलब जैसे होते हैं छोटे छोटे स्टॉल दिख रहे होंगे, तो ये मैगी पॉइंट है, मतलब जो भी लोग आते हैं टूरिस्ट वगैरह तो वो यहाँ पे मैगी जरूर खाते हैं। बट यहाँ के जो मैगी के प्राइस है ना, अगर आप लोग सुनेंगे हाफ प्लेट की तो आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पे जो मैगी की हाफ प्लेट का प्राइस है वो है 60 रुपये, तो आप लगा सकते हैं अगर आप एक फुल प्लेट मैगी खाते हैं तो आपको 120 रुपये भरने पड़ेंगे। हमने तो नहीं खाया क्योंकि हम अपने साथ सामान लेके आए थे, इस वजह से हमने नहीं खाया। सो हम मसूरी पहुंच चुके हैं, मसूरी में आ चुके हैं। तो अभी हम थोड़ा मसूरी से जस्ट आगे हैं, मसूरी मार्केट से आगे, और हम जा रहे हैं क्या बोला था यहाँ कौन सा, कंपनी गार्डन, कंपनी गार्डन में। तो चलो आपको दिखाती हूँ आगे आगे कैसा यहाँ पे मतलब कंपनी गार्डन है। वैसे यहाँ पे थोड़ी सी मतलब मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो स्नोफॉल पड़ी हुई है, बर्फ़ थोड़ी सी दिख रही होगी आपको, हल्की हल्की बर्फ़ गिरी हुई है। हमें लगा था यहाँ पर बर्फ़ गिरी होगी बट बर्फ़ का कोई चांस नहीं था यहाँ पर। एनीवे चलते हैं आगे। बाकी मसूरी मैन बर्फ के लिए ही मतलब होता है कि बर्फ की वजह से ही लोग यहाँ पे आते हैं, बट बर्फ यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर गिरी है। तो हम थोड़ा मसूरी से आगे यहाँ पे कंपनी गार्डन है वहाँ पे जा रहे हैं, मैन मसूरी मार्केट पीछे पीछे है वो, मैं थोड़ी देर में आपको वीडियो में दिखाऊंगी, बट अभी मैं आपको दिखाऊंगी कंपनी गार्डन। तो चलिए आप लोग मेरे साथ ही, आप लोगों को दिख रहे होंगे वो आगे जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं। सो देखिए आप लोग, कुछ कुछ यहाँ पे बर्फ गिरी है, वो कुछ सामने पे गिरी है, बहुत कम यहाँ पे बर्फ गिरी है, कुछ इस तरीके का है यहाँ का व्यू। चलो अभी मैं सीधे आगे जा रही हूँ कंपनी गार्डन में, उसके बाद आप लोगों को दिखाती रहूंगी। बाकी ठंड तो थोड़ी बहुत है गाइज यहाँ पे, थोड़ी बहुत नहीं है ही ठंड, थोड़ी बहुत नहीं बोलूँगी, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, हवा चल रही है। कैप मैंने इसलिए नहीं पहनी है क्योंकि अभी थोड़ी सी धूप भी लगी, तो इस वजह से मैंने कैप नहीं पहनी है। यहाँ पे टिकट ले रहे हैं ना, कितने की है? 25 रुपए की है। 25 की एक टिकट है, 5 रुपए मेरे पास। यहाँ पे टिकट लिया जा रहा है और एम आर पी 5 रुपए, 5 रुपए नहीं 10 रुपए। हल्का हल्का यहाँ पे तो खड़ी हो जाओ, 10 रुपए हटा दे, मास्क हटा दे। बर्फ गिरी हुई है और यहाँ पे हम मतलब जो ये टिकट माल है कंपनी गार्डन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है 25 रुपीज में, एक बंदे का टिकट आता है। सो ये है एंट्री यहाँ से, पांच है। चलो रुको रुको, यहाँ तो फिर यहाँ देखो गाइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है, ज़्यादा तो क्या बट गिरी हुई है, शायद से 2-4 दिन पहले गिरी होंगी, और थोड़ा सा हमें चलने में ना यहाँ पे दिक्कत हो रही है क्योंकि
यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है। यहाँ पे कुछ शॉप भी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ कुछ यहाँ पे शॉप भी हैं, जैसे आपको यहाँ पे मतलब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो वो दिख जाएंगी। बाकी मैं दिखाती हूँ आपको एक एक करके। ये देखिए हर चीज़ की शॉप आपको यहाँ पे दिख जाएगी। पे आपको गर्म सूट हैं दिखने को मिल जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे यहाँ पे कुछ कैप वगैरह। ये देखिए विंटर के सारे कलेक्शन यहाँ पे हैं। ये देखिए ये सारे कैप आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ये बच्चों के।